Tehran University of Ladakh, and Dr. Saleem, assistant professor, the escorting staff, and all my dear students. First of all, I congratulate you all for this study tour that to University of Gujarat. And this is first time in the history of University of Ladakh that the students are going outside the state, outside the UT, and to other parts of the country for exposure as well as the study tour. And I hope that this tour will be beneficial for the students in respect of your studies and your exposure as well. और इसी के साथ साथ मैं दो बातें भी आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो हमने सिलेक्शन किया है 30 स्टूडेंट्स का, इट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन योर परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम. योर परफॉर्मेंस एनरिचमेंट इज प्रोवाइडेड टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ योर नॉलेज, इन रेस्पेक्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन, योर स्टडीज एंड टू परस्यू एजुकेशन फर्दर. और ड्यूरिंग द जर्नी मैं दो बातें आप लोगों से कहना चाहूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर यू आर फीमेल स्टूडेंट्स एंड यू नो दैट यू हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रॉपर इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वेल एज यूअर सेफ जर्नी एंड यूअर प्लेजेंट जर्नी दैट वी हैव टू इंश्योर दैट. पता है मैडम कनीज़ फातिमा जो डायरेक्टर हैं, इनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे करगिल में पता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. सिर्फ करगिल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा है. देयर इज़ नो प्लेस इन इंडिया विच शी माइट नॉट हैव एक्चुअली विजिटेड. इन केंद्रवेला JNV समिति वगैरह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे पोजिशन पर रही हैं. आर कैंपस इन कारगिल इज़ इन गुड हैंड्स, सेफ हैंड्स. और मैम को शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके भेजा हुआ है इस टूर के लिए. ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिनका विजन और बढ़ेगा जाके, और जहाँ कारगिल से बाहर जाएंगे वापस आएंगे और हमसे और कहानियाँ शेयर करेंगे. हम भी इंस्पायर हों तो हम भी सारा निकलें. जी जी, मकसद जो टूर का जी सर, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो टूर आप लोगों ने स्पेसिफिकली गुजरात यूनिवर्सिटी लिया है, बिल्कुल, तो इस टूर का मेन मकसद क्या होगा, मोटिव क्या होगा सर? स्टूडेंट इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी. एक्सपोजर है बेसिक मकसद इन्हें सब, कि यहाँ से बाहर की दुनिया दिख जाए, उनको ये भी लगे कि बाहर कितने तरक्की हो रही है एजुकेशन के सिस्टम में भी, सेक्टर में भी, दुनिया कहाँ कितने आगे पहुँच गए हैं. लेकिन यह इनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि हम जिस लेवल पर हैं उस लेवल पे शायद बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं. हम कहीं कहीं पीछे नहीं हैं, पीछे रह ना जाए कहीं. इनको ये भी पता है कि हम वन ऑफ द बेस्ट हैं, और हम भी कहते रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स में कोई खामी नहीं है. इनको बस कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है. हार्ड वर्किंग तो है ही. पिछले 10 साल में देखेगा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करने वाले, MPhil करने वाले, और ख़ासकर PhD डिग्री होल्ड करने वाले बहुत सारे हो गए हैं करगिल डिस्ट्रिक्ट के. ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है. एक्सपोजर मिलेगा स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए. गुजरात यूनिवर्सिटी के जो आला तरीन फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होंगे. गुजरात में ही बहुत सारे गांधी आश्रम वगैरह के विजिट्स होंगे, रिवर फ्रंट्स वगैरह देखेंगे अहमदाबाद में भी, तो बहुत मज़ा आएगा. हम चाहते हैं ये बाहर की दुनिया के लोगों से मिलें और अपने अच्छे आइडियाज़ लेके आएँ, और यहाँ पर बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको भी इंस्पायर करें, ताकि लोग डरे ना यहाँ करगिल से बाहर निकलने के लिए. और मैं ये भी बता दूँ, हुसैन साहब को पता है, आपको भी बखूबी पता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है जिस पे हम शेड्यूल ट्राइब वाले कैटेगरी के सोच को पीछे छोड़ के जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में सबके साथ कम्पीट करने के लिए हम थोड़े मजबूत हो जाएँ. बस सोच की बात है ना सर. जी जी, अब मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको. पिछले साल के एंड में, आखिर में, यूनिवर्सिटी के सारा आला तरीन ऑफिसर्स, वाइस चांसलर साहब ने लीड किया एक डेपुटेशन को, जिसमें मैडम कनीज़ फातिमा भी थी और डीन एकेडमी के फैज़ दस्कियों साहब भी थे,
और मैडम कुंचो आमो थे ले कैंपस के डायरेक्टर, वो सब गुजरात एक चक्कर मार के आए हैं। एक अच्छी बात खबर ये भी है कि एक लद्दाख हाउस भी गुजरात यूनिवर्सिटी में बना है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी जा के आए हैं। इनका बहुत लंबा प्रोग्राम था, ये एक इस अभी वाले टूर को एक सीक्वल मान लीजिए उसका, और गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। इसके बाद वहाँ से भी यहाँ बच्चे आने के चांस आएंगे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, वहाँ भी से भी जल्द ही आने वाले हैं, उनकी खातिरगारी हम करेंगे, हमारे मेहमान होंगे, करगिल के मेहमान होंगे, ले के मेहमान होंगे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ का अगर टोपोग्राफी वगैरह अगर देखें तो जियोलॉजी जो माइनिंग एंड जियोलॉजी का बहुत स्कोप है सर, बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई अच्छे से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से कोई कोलैबोरेशन होने का चांस है? वाडिया इंस्टीट्यूट के हैं जिसके प्रोफेसर तलेदमा जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उसके साथ वो पहले से एसोसिएटेड हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है जिसके साथ एक MOU और हुआ है, उनके साथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहेंगे। अब द स्काई इज द लिमिट जैसे कहते हैं, तो हम मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स कुछ कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि स्टाफ भी हों, स्पेस भी हों, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और मैडम एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं इसमें इंडियन इंटरफेस बन के। अब देखें पूरे दुनिया हमारे सामने एक यूनिवर्सिटी के शेप में कोकम बताओ में तैयार होकर आ जाएगी। सर आने वाले दिनों में जी सर स्ट्रेटजी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जी जी क्योंकि छोटे मोटे इश्यूज जो है वो आते रहेंगे एग्जामिनेशन को लेकर आने वाले दिनों में क्या क्या सजेस्ट क्या क्या आप लोग एडवाइस जी 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 हम अपना मैकेनिज्म एक बड़ा थोड़ा फुल प्रूफ बना रहे हैं जिसके तहत स्टूडेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं तो डायरेक्टली मैडम तक पहुँचें, ठीक है, और अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो तो हम तक भी आएँ, हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। ले में भी हमारे ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, करगिल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ले में भी अलग से कैंपस है, तो यहाँ में हमारे स्टाफ भी एग्जामिनेशन सेक्शन के हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स के, तो सारे हमेशा तैयार ही रहते हैं स्टूडेंट रिलेटेड इशूज़ को लेने में, और कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द हल हो, कोई रेजोल्यूशन निकले और स्टूडेंट्स तक कन्वे किया जाए, ये नहीं कि भटकते फिरें। जी 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 बिल्कुल, और मैम ने अपने लेवल पे है कैंपस में बहुत सारे टीचर्स को भी नॉमिनेट करके रखे हैं जो स्टूडेंट्स के साथ जिनको कोऑर्डिनेट करना है या जिनको स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकें, स्टूडेंट रिलेटेड नहीं, अगर टीचर रिलेटेड भी कोई इशू हो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब हमने पिछले एक दो साल में ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह में करें तो कदम रखा हुआ है। एक 2020 तो वॉश आउट हो गया कोविड के उसमें पैंडेमिक की वजह से, अब उनके भी कुछ इशूज़ हो जाते हैं प्रोक्योरमेंट सप्लाईज वर्क्स पेमेंट्स वगैरह, उसके लिए भी तो हम तैयार ही रहते हैं हमेशा उनकी बात सुनने के लिए, और जल्द से जल्द कोशिश होगी उनके पेमेंट्स क्लियर हो जाएं, और क्योंकि उनके साथ आगे भी हमने काम करना है तो उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना है। उसके अलावा मैं कहूँ आपको करगिल में आवाम का ताउन बहुत ज़्यादा रहा है, मैम बाखूबी जानते हैं, विटनेस हैं, 24 घंटे का इनका यहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो